नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नाई न्यूज़। स्पेन नाई न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे पवन खेड़ा की। पवन खेड़ा की जो इन दिनों चर्चाओं में है, जो जिस मामले को लेकर वो अब असम के मुख्यमंत्री के बीच में आ गई है, मैं माफ़ी मांग तो तू माफ़ी मांग, मैं झुकूंगा तो तू झुकेगा, ये वाली लड़ाई अब शुरू हो गई है। लेकिन इसमें एक्चुअल में कौन झुकेगा और कौन माफ़ी मांगेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बार पहले पूरा मामला आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर ये तमाम मसला शुरू हुआ। पवन खेड़ा ने ये बातें कहीं और उसके बाद हमारा आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी आग बबूला हुई और उसके बाद अचानक से भैया इनके फ्लाइट को जो है रोक लिया जाता है। अब हालांकि कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि भैया मयूर विजय माल्या, नीरव मोदी, ये तमाम लोगों का फ्लाइट तो आप रोक नहीं पाते, उनको ला नहीं पाते और इनके फ्लाइट को आप रोक लेते हैं। अखिलेश यादव इनके समर्थन में आते हैं, बहुत सारे लोग समर्थन में आते हैं, हालांकि तुरंत इनको जमानत भी मिल जाती है। ऐसे में सवाल अब ये है कि असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया, असम के सीएम ने दावा किया, उन्होंने कहा पवन खेड़ा ने माफ़ी मांगी। अब वो कह रहे हैं माफ़ी मांगी, लेकिन पवन खेड़ा कह रहे हैं भाई हम माफ़ी क्यों मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने तो वो कोर्ट भी गया फिर वो वापस भी आ गए। ऐसे में सवाल ये है कि अब आने वाले वक्त में क्या होगा। उम्मीद है कि अब कोई ऐसा भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये मतलब ख्याली पलाव जो है ये खुद ब खुद बनाते आ रहे हैं, वो है सिर्फ और सिर्फ जो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा। अब सवाल ये है कि पवन खेड़ा के साथ जो हुआ, हालांकि कांग्रेसी साफ शब्दों में कह रहे हैं भाई टाइगर जिंदा है, वो बाहुबली है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सच की जीत हुई वगैरह वगैरह। देखिए भाषाओं का जिस तरीके का स्तर गिरा है आज 2022 के राजनीति के बाद से वो आप जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं को इतना चुन चुन कर टारगेट क्यों किया जा रहा है और ये माफ़ी तू मांग तो मैं मांग, इसकी लड़ाई में अब कौन जीतेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि ये दावा किया है असम के मुख्यमंत्री ने, लेकिन क्या इसका जवाब पवन खेड़ा अब क्या देंगे ये देखना बहुत अहम होगा कि देखते हैं कि वो आखिर इस मसले पर अब क्या कुछ कहते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।